भारती पावर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, गोदावरी नदी जो हमारे महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति हमारे नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होती है और इस नदी का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। लेकिन मुझे आज बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बढ़ता हुआ जल प्रदूषण गोदावरी की आज समस्या बन चुका है। कई कंपनियों का केमिकल युक्त पानी इसमें छोड़ा जाता है, जिससे यह पानी पीने के योग्य नहीं रहता है और अनेक बीमारियों को, जैसे कि स्किन डिसीज हो या फिर वाटर बॉर्न डिसीज हो, इसके होने का भी डर होता है। पानी में दुर्गंधी महसूस होती है। कुछ जगह यह नदी का पानी जलपर्णी या जलकुंभ से घिरा हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र के निफाड़ में बहुत ही बड़ा नांदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी है, जिसमें 200 से ज़्यादा पक्षी आते हैं। फ्लेमिंगो हो, स्पूनबिल्स हो, ऐसे अनेक पक्षी आते हैं। 25 से ज़्यादा मछलियों की प्रजातियां भी पाई जाती है। नांदूर मधमेश्वर को रामसर साइट घोषित किया है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी भी है हम पर कि इसको सुरक्षित रखा जाए। लेकिन इस क्षेत्र में भी यह प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अभियान के माध्यम से गोदावरी स्वच्छ करने के लिए प्रयास हो और गोदावरी प्रदूषण मुक्त हो। धन्यवाद।